नमस्कार, गुड मॉर्निंग उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ कुसुम राणा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पिथौरागढ़ में सीएम धामी ने बुधवार को ग्राम गुंजी में माउंटेन साइकिल रैली का शुभारंभ किया। धामी धारचूला के सीमांत गांव गुंजी आने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि साहसिक खेलों के आयोजन से व्यापारियों की आय में सुधार होगा। चंपावत में 31 तारीख को होने वाले उपचुनाव के लिए 48 घंटे पहले यानी 29 तारीख को प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद जिले की सभी सीमाओं पर पुलिस चौकसी बढ़ा दी जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य ने बताया कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चंपावत उपचुनाव के प्रचार में राष्ट्रीय नेताओं की जनसभा न होने पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि हमने सभी से समय मांगा था और अब जैसे जैसे जिसकी जरूरत महसूस हो रही है उनको बुलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 28 मई को योगी आदित्यनाथ का चंपावत दौरा संभावित है। सभी जितने भी स्टार प्रचारक थे सबसे हमने समय लिया था, उसमें जिनका समय आ गया है उन लोगों की सभाएं भी हैं। 28 को योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम संभावित है, निश्चित रूप से आएंगे। और चंपावत चुनाव में इसके अलावा बहुत सारे स्टार भी वहाँ पहुँचे हैं, हमारे जो इंडियन आइडल के स्टार थे वो पहुँचे। निश्चित रूप से जब जब जिस जिस स्टार प्रचारक का समय हमको मिल रहा है उनकी सभा और कार्यक्रम हम आ लगे। चंपावत उपचुनाव को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत वोटरों को लुभाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। हरीश रावत का जलेबी बनाना चर्चा का विषय बना हुआ है। बारिश में भी हरीश रावत कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करने से नहीं चूक रहे हैं और लगातार नाराज कार्यकर्ताओं को भी मना रहे हैं। निर्मला जी वो चंपावत की जनता जनार्दन की प्रतीक, यहाँ की महिला शक्ति, यहाँ के गरीब शक्तिहीन लोगों की प्रतीक, और भाजपा तो इस समय सत्ता के घमंड में थी, तो सत्ता के घमंड में और एक गरीब घर की बेटी और बहू के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में स्मार्ट सिटी से जुड़े अधिकारी और कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि मौजूद रहे, जहां अधिकारियों को मंत्री ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। गोपेश्वर कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने पिछली बैठक के कार्यवृत्त और केंद्र पोषित योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत समीक्षा की। सांसद ने सभी अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान देने की बात कही। साथ ही समिति के सदस्यों के दिए सुझावों पर भी उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। देखिए, क्या कारण है और किन कारणों से ये सब गड़बड़ियां यदि दिखती है और जो सामने आ रही है उस और ध्यान देंगे और नए संज्ञान में लाएं, तो निश्चित है ऐसी जो भी सड़कें होंगी, काम जो भी विभागों के हैं, तो उन पे मैंने सीधे सीधे कहा कि इस पे जांच और करके और फिर उन पे कार्रवाई तत्काल करेंगे। एक और मैंने इशू किया कि जो बीटीसी की मीटिंगें होती हैं ब्लॉकों की, उनमें सभी अधिकारी जाएं। पौड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रिखड़ी खाल में बच्चे के हाथ पर गत्ते का प्लास्टर लगाने के मामले पर अब मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रवीण कुमार ने सफाई दी है। उनका कहना है कि हाथ में फ्रैक्चर होने की संभावना को देखते हुए फ्रैक्चर पॉइंट को इमोबिलाईज किए जाने के लिए स्प्लिट लगाई गई थी और मरीज को उपचार के लिए हायर सेंटर बेस्ड चिकित्सालय कोटद्वार जाने की सलाह दी गई थी। जो दोनों टूटे हुए हिस्से हड्डी के वो हिले नहीं, इसको स्प्लिंट कहा जाता है। तो अब जब वहाँ हड्डी वाले डॉक्टर साहब नहीं थे तो उस कंडीशन में वहाँ पर जो बेस्ट पॉसिबल इलाज हो सकता था यही था कि उसको हाथ को इमोबिलाइज किया जाए और उनको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए आगे हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया उन्होंने कि वो आगे जाकर के अपना एक्सरे कराएं और जो चीज़ भी मतलब उसका इलाज संभव है अस्थि रोग विशेषज्ञ के द्वारा। लेकिन इसको प्रचारित ऐसे किया गया कि स्प्लिंट को उन्होंने बता दिया गया कि ये प्लास्टर लगाया गया है, प्लास्टर नहीं लगाया गया, वो उसको गलत तरीके से प्रचारित किया गया प्लास्टर ना हो करके वो गत्ते की स्प्लिंट बना करके बांधी ताकि हड्डी के टूटे दोनों हिस्से अपनी जगह पर रह सके। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नैनीताल के मेट्रोपोल क्षेत्र संपत्ति पर अतिक्रमण करने के मामले पर सुनवाई की है। कोर्ट ने याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए अतिक्रमणकारियों को नोटिस देने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने जनहित याचिका दायर की है वो खुद अतिक्रमणकारी है और वो जनहित याचिका दायर नहीं कर सकता है, इसलिए जनहित याचिका को निरस्त किया जाए। टिहरी में NH-94 चम्बा धरासू मोटर मार्ग पर एक बुलेरो कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। दरअसल कोटी गाड़ के पास कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यदि आप उत्तराखंड राज्य से हैं और अपने क्षेत्र की कोई भी खबर प्रसारित करना चाहते हैं तो हमें वो खबर, उससे संबंधित वीडियो अथवा फोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045017701 पर भेज दीजिए। हम आपकी खबर आपके नाम के साथ अवश्य प्रसारित करेंगे। धन्यवाद।